हम सब पांच तत्वों से बना है। ये शरीर है, पांच तत्व से शरीर बना है। सो मैं नहीं, पांच तत्व से शरीर बना है सो मैं नहीं, मैं तो अदर अमर अविनाशी हूँ। संसार नाशवान है। तो देखो संसार की बात तो यह है, संसार तो असार है, पर अपने आप को ही जानना है ईश्वर का है। ईश्वर जीव और ब्रह्म तीनों इसी माया इसमें ही है, इसी शरीर के अंदर। शरीर ही अच्छे पत्थर में भगवान नहीं है। ईश्वर जीव और माया ब्रह्म तीनों ये इसी शरीर में, और ये पांच तत्व ये शरीर बना है, तीन गुणों से खड़ा किया है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये तीनों गुण डाले हैं और इसमें ईश्वर का निवास हुआ है। जब ये बोलने लगा है चलने लगा है, ईश्वर क्या ईश्वर श्वास चल रहा है ना, श्वास चल रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है, ये स्वर है। ये बंद हो जाता है तो ये मिट्टी है। शरीर क्या है, शरीर तो मिट्टी है, ये तो पांच तत्वों का है, इसमें क्या रखा, कुछ भी नहीं। इसलिए देखो संसार तो असार ये नाशवान है, जो देख रहे हैं हम आज है कल में है, ये सब का नाश है। और जो हमारे अंदर में ईश्वर है हम अविनाश में है, ये शरीर नाशवान है पर हम अविनाश में है। हम तो आत्मा है, आत्मा वही परमात्मा है, हम शरीर नहीं है। हम जानते हैं कि हम शरीर हैं, यही माया का भ्रम पड़ा हुआ है। तो यही बात है भाई, देखो संसार में चलोगे तो कुछ नहीं, पर गुरु क्यों किया जाए, माता पिता के द्वारा जन्म होता है मनुष्य, लेकिन ये बंधन से माता पिता नहीं छुड़ाते, ये बंधन से जो माया की बंधन है इससे गुरु छुड़ा सकता है। और गुरु क्या करता है, गुरु हमारे पापों का नाश करता है, कर्मों का हरण करता है। गुरु ही हमको भवसागर से पार कर सकता है, जो भगवान के 84 लाख योनि उसी के अंश है। अगर किसी के कर्मों का नाश करे तो ले हो जा, ले हो जा, किसी का नहीं करे किसी के नाश करे पल्ले हो जाए। तो इसलिए भगवान कर्म भुगताते हैं, जैसा मनुष्य कर्म करता है ऐसा ही जगह वो ऐसा ही फल देता है। और गुरु कर्मों का नाश करता है और ये 84 लाख योनि से अलग कर देता है, उसमें नहीं जाएगा। जो बीज मंच उसकी कामना हो जाएगा तो 84 लाख योनि में नहीं जाएगा मनुष्य, फिर मनुष्य ही बनेगा और अच्छे घर में जन्म लेगा अच्छी, और फिर सतगुरु मिलेगा। ऐसी तरह से एक बार समय ऐसा आएगा तो ये जीव लय में लय मिल जाएगा। जैसे समुंदर से पानी उठा, पानी बढ़ता समुंदर से उठ करके और समुंदर में मिल गया, इसी तरह से ये ईश्वर का अंश ईश्वर से आया और वो ईश्वर में मिल जाएगा, तो न जन्म लेगा न मरेगा। सबसे बड़ा दुख यही है, क्योंकि जब मनुष्य कर्म में आता है तो ये उल्टा रहता है 9 महीना तक, और इसका यही कुंभीपाक नरक है असली, इसका वही खान पान है मलमूत्र। वो मलमूत्र भी खान पान है जीव का, उस टाइम रहेगा तो 9 महीना तक ये उल्टा रहता है। तो ये कुंभीपाक नरक बोलते हैं, ये असली नरक ये है, यही दुख है इसमें। ये जीव को कल्याण मालिक क्या करते हैं, मालिक शरीर का कल्याण नहीं करते, क्योंकि वो जीव के मालिक हैं, वो तो जीव का कल्याण करते हैं और सब जीव उसी के प्रिय हैं। सब में क्या वो उसी ब्रह्म को देखते हैं,
ये कैसे ये जीवन का कल्याण तो उसकी देखो ये ही कर्म करना है तो गुरु इसीलिए किया जाता है कि हमारे कर्मों का नाश हो जाए और हम फिर जोड़ा सुनने लग जाए तो हमारे कल्याण पूरी कर सकता है। आवागमन से मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है और कोई बेहतर नहीं पार नहीं करनी है। मुक्ति यही है आवागमन से रहित होना। जिसने अपना अहंकार त्याग दिया, माया मोह से परे हो गया, अहंकार नहीं रहेगा वही मुक्ति है, उसको ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति से ज्ञान होता है, भक्ति से तत्व तो अब लम्बन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है। बहुत से लोग भक्ति में ही अपनाते हैं और ज्ञान चाहते हैं तो मूर्ख ज्ञान नहीं हो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता है। कृष्ण ने और अर्जुन के साथ में योग किया, योगेश्वर बोलते हैं कि कोई योग ना होता है गुरु और सेवा के साथ। आपके अनुसार माता पिता बड़ा है या गुरु बड़ा है? बड़ा तो गुरु है, माता पिता के द्वारा जन्म बोल रहे ना, माता पिता के द्वारा जन्म होता है मनुष्य का शरीर मिल जाता है। गुरु का सेवा और माता पिता का सेवा, सेवा तो माता पिता की सेवा है, कौन सा बड़ा होगा? बड़ा तो गुरु है, गुरु इस 84 लाख योनियों से मुक्त कर सकता है। माता पिता को सेवा ये बड़ा है या गुरु का सेवा बड़ा है? अरे दोनों ही है सेवा, दोनों की सेवा है। माता पिता जिंदे हैं जब तक उनकी सेवा करो, आपके गुरु भी यही बताता है पहले बाप का, बाप की सेवा करो। ध्यान आश्रम समझे, सेवा दोनों की है। माता पिता से जन्म मिला है तो उसकी सेवा नहीं करेगा, पहले सेवा माता पिता की है, गुरु तो बाद में किया जाता है। ऐसे कहा कि गुरु बिन भगनी की तरह न कोई, जो बिलंत शंकर सम हो, जब ब्रह्मा जी के विष्णु के समान क्यों न हो जाए, विष्णु के समान, लेकिन गुरु के बिना एक भक्तागर से पार नहीं हो सकता है। इससे पार गुरु ही करता है, माँ बाप तो एक जन्म दे देते हैं, ये संसार से छुड़ाने वाले नहीं है। माँ बाप तो संसार में फंसाते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो वो माया में तो डालते हैं ना, समझे। माँ बाप की सेवा जरूर करनी है, जब तक जिंदे है तो माँ बाप की सेवा करो, और जब माँ बाप हैं तो गुरु की सेवा करो। आपके अनुसार अगर माँ बाप अगर जिंदा है तो उसके समय उसी समय की गुरु का चयन करना अच्छा होगा, या माँ बाप के अगर नहीं रहे तो गुरु का दीक्षा लेना जरूरी है? भाई जिंदे हैं माँ बाप तो उनकी सेवा करो, गुरु की करो, भजन जो ध्यान भक्ति भजन करता है गुरु की सेवा कहाँ मिलेगी, हमेशा गुरु साथ में रहेगा, गुरु तो कभी कभी मिलेगा, सेवा नहीं होगी। वो जो भजन देता है गुरु की आज्ञा मान के हम यहाँ आए हैं, राजस्थान छोड़ के हम गुरु की आज्ञा में हैं, हम सेवा तो हम भी ये सेवा ही हम झाड़ू बुहार करते हैं तो ये गुरु की सेवा कर देना, पेड़ पौधा को देखा भारी पानी देते हैं, ये मालिक का ही जैसा। और देखो तो और देखो अपनी गृहस्थी चलाओ तो उसको मालिक की करके रखो, ये गृहस्थी मालिक की है, ये गुरु की है। बाल बच्चे होते हैं तो वो बाल बच्चे दिए मालिक ने दिए, उनकी सेवा वो अपना मत मानो कि मैं कर रहा हूँ, ये तो अहंकार होता है मन कि मैंने माँ बाप की ऐसी सेवा कर ली, मैंने ये किया, ये इसको छोड़ दो, देखो
सेवा करो, गुरु की सेवा कहाँ मिलेगी भाई। गुरु तो आज्ञा देता है, उस आज्ञा का पालन करो, है कि नहीं भाई। गुरु हमेशा कहाँ सकता है, माँ बाप हमेशा साथ में है ना, उनकी भी आज्ञा मानो, उनकी सेवा करो। बुढ़ापे में क्यों बेटा क्यों जानते हैं, बेटा का मतलब क्या होता है, माँ बाप बेटा चाहते हैं बुढ़ापे में भाई हमको रोटी देगा, हमारी सेवा करेगा। उनकी सेवा नहीं मिलते बड़े भाव से मुझे আমরা তো শ্বশুর শাশুড়ি।